टू माय चैनल माय न्यू वीडियो। सो गाइज हम बात करेंगे आज इसके बारे में। अब इसका नाम है अमीर सिद्धू की चुटकी। इसका नाम मेरे को नहीं पता है क्या है। जो भी आप इसके मुंह से सुन लो, आप ये क्लिप देखो फिर आओ। Everybody, that's your boy, आमिर सिद्दीकी, live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। तो गाइस यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने टिरैक्टर को पार्क करके अपने पिलॉट पे। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने सुना है इसका नाम अमीर सिद्दीकी है। सो गाइस अब इसने कुछ अपने अकाउंट पे इंस्टा पे 7 या 8 दिन पहले एक अपना वीडियो डाला था। सो इसने वीडियो पे क्या डाला आपको मैं बताता हूँ। अगर पूरा वीडियो देखना तो इसके अकाउंट पर चले जाना, देख लेना ठीक है। पर एक मिनट में कोई बात बोलनी है आपको। इसने यूट्यूब के बारे में बोला ठीक है, बट यूट्यूब के बारे में बोला पर इंस्टा के बीच में लेके आया। इंस्टा में इसने वीडियो भी डाला, इसका चैनल है ना अकाउंट पर, तो चैनल पे डाला अपना वीडियो, इंस्टा पर भी डाला, इंस्टा पर वीडियो खुद ही डाला ये ठीक है। जो भी है लेके आया लेके ठीक है। सब ये कुछ कमेडी पे बात कर रहा है, कुछ कंटेंट पे बात कर रहा है, कुछ और भी बात कर रहा है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको मैं इसकी क्लिप दिखाता हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ। सो मैं आगे आपको बात करते रहते हैं, चलो पहले क्लिप पे चलते हैं। पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज x100 हो गया। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ। हाँ तो कैसे हैं आप लोग, चलो शुरू करते हैं। भाई पहले खुद तो अपना कंटेंट देख ले ठीक है, झाड़ू वाले बाल के मुंह, पहले खुद तो कंटेंट के बारे में कुछ सोच के बोल। ये बात पहला टॉपिक कर रहा है कंटेंट के ऊपर, दूसरा है इसका व्यू रुपए कॉपी है ठीक है। तो अपने इसकी क्रंच बोलते हैं अपने अपने वीडियो को ठीक है। अब इसकी खुद वीडियो देख लो, कुछ नया नहीं है, 15 सेकेंड 1 मिनट का वीडियो होते हैं, लिप सिंक करने के, कपड़े बदलने के, फेंका फेंक करने का, वही सब ठीक है। दूसरा कॉपीराइट, भाई तुम टिकटॉक वालो बहुत अच्छा है कि टी सीरीज है, कोई और किसी ने अभी तक टिकटॉक पे कॉपीराइट मारना शुरू नहीं किया है। अगर उन्होंने शुरू मार दिया तो तुम अपना देख लो बस। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। चलो मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं, और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो, वैसे भी अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियो तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो, क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आईडी दे देते हैं। तू लाफा खा ले और सुन ठीक है। अब पहली बात गाइस क्या बोल रहा है, डीएम करना, पर्सनली समझाऊंगा ऐसा वैसा, गाइस सतर्क रहना, सावधान रहना, कुछ और नहीं समझा दे दिखा दे आपको ठीक है। तो अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। ये बोल रहा है कि कम्युनिटी गाइड, मतलब हमारी बहुत लड़ाई होती है, सब भेड़ चाल वाले हरकत करते हैं ऐसा वैसा ठीक है। भेड़ चाल की बात कौन कर रहा है, वाह भेड़ चाल की बात तुम कर रहे हो, मैं एक स्टेप तुम चालू कर देते हो, जो टिकटॉक वाला होता है वो एक चालू कर देते हो, फिर वही तुम चालू करते रहते हो, 25 लोग 50 लोग कितने तक लेके चले जाते हो
ठीक है, तो भेड़ चाल की बात तो तुम करो ही मत, तुम पे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली तुमने कि 3 महीने में 3 वीडियो आते हैं। कौन सा ऐसा बंदा है भाई, कितने गेमर है जो दिन एक एक दिन में हर दिन एक एक वीडियो डालते हैं। ठीक है, जो वाइंस होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उनको शूट करना पड़ता है, उनको एडिट करना पड़ता है, तो वो भी एक दो हफ्ते में एक वीडियो डाल देते हैं, मतलब 1 महीने में वो 2 वीडियो डाल देते हैं। तो भाई तूने कोई काम किया उनके अंदर तो नहीं पता, तो क्यों बोलता है? नहीं पता ना तो बैठ जाए। अब चलते हैं इसके चौथे पॉइंट के पॉइंट्स। और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, गलत गलत बातें करते हो, उनको डीमोटिवेट करो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। बट यार मारकाट वाले बंदे मेरी बात सुन, पहली बात तो टिकटॉक में है तो इंस्टाग्राम पर वाके इंस्टाग्राम पर बोल रहा है कि इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे यूट्यूब पे हमारी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, तो पहली बात लोगों को जोकर बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे 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 जोकर जैसे नाचते रहते हैं, झाड़ू वाले बाल होते हैं, वो बहुत पसंद है लोगों को, तो देखने के लिए वो आते हैं। ठीक है, पहली बात तो वो, और हमारे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अच्छे अच्छे अपने मोटिवेट करते हैं अपने को, इन्फ्लुएंसर है वो अपने। ठीक है, तो तुझे नहीं पता तो पहले उनके चैनल पे जा, उनको देख और फिर बोल कि वो कैसे है कैसे नहीं है। तीसरा ये बोल रहा है कि अपने टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब पे आ जाओ। तो भाई तुम क्या चाहते हो, यूट्यूब पे भी आके वही डीची डीची वाले डालने वाले हो, ये हगने वाले हो? हक तो तुमने वैसे भी दिया है और यूट्यूब पे भी तुम हगने वाले हो, वैसे भी तुम्हारे चैनल आ चुके हैं, बहुत से जो टिकटॉक वाले हैं वो यूट्यूब पे आके वही चैलेंज कर रहे हैं, कोई प्रैंक कर रहे हैं, वही नाटक है तुम्हारे जो बरसों पहले चलता था वो तुम अभी कर रहे हो, वो भी कोई मतलब का नहीं है। तो हमने यूट्यूब पे आके तुमने हगना तो ऐसे भी चालू कर दिया, तो बोल क्या रहे हो? ठीक है, और चलो गाइस अब इसके अगले पॉइंट। रानी को रोस्ट कर रहे हैं, सौम्या को रोस्ट कर रहे हैं, फैजू मंजूर को रोस्ट कर रहे हो, यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे, इन लोग है ना बहुत छोटी सी जगह से। तो गाइस आते हैं इसके पांचवे पॉइंट। इसका पॉइंट अगला है कि रोस्टिंग करना अलग अलग इसके टीम वाले, इसके टिकटॉक वाले जो भी, तो रोस्ट उसके ऊपर नहीं करते, रोस्ट उसके कंटेंट पे करते हैं फॉर एन एंटरटेनमेंट। वो डिक्लेमर डाल देते पहले, ठीक है, दिखता तो देख लिया करो और सुन सकते हो सुन लिया करो। सो गाइस इसने बोला स्ट्रगल की बात, तो तुम क्या भाई टिकटॉक वाले स्ट्रगल किए और इसको स्ट्रगल बोलते हैं? गाइस गाइस 2016 में टिकटॉक म्यूजिकली नाम से आया था, म्यूजिकली बाद में कुछ दिन चला, फिर बैन हो गया, फिर उसके नामकरण भी हो गया टिकटॉक से। ठीक है, तो फैजू भाई अभी कुछ साल पहले आए थे और पहले ये ऐसे थे जो हमारे फेर आज पहले के अभी के टाइम में भी बहुत लोगों की KTM जो बाइक होती वो ड्रीम बाइक होती है कि हमको मिले, और फैजू भाई तो ये चला रहे थे। तो भाई इसको तू स्ट्रगल बोलता है? स्ट्रगल देखो भी पता है क्या होती है स्ट्रगल, जैसे तूने देखा नहीं होगा मैं तेरे को बता देता हूँ, जाके देख लेना चैनल उसका। ठीक है, जैसे दो तीन बोल देता हूँ, जैसे रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग मैं बोलता हूँ, जैसे रोनिक नाम का चैनल है वो रोस्ट करता है। ठीक है, तो उस जब उसने स्टार्ट किया था तो बहुत टाइम लगा था, लाइक उसके बिगनर की बात बोल देता हूँ मैं, तो जब उसने स्टार्ट किया था कम से कम 1-2 महीने तक उसके 4-5 व्यू आते थे उसके वीडियो पे, वो भी उसने हार नहीं मानी, उसको बोलते स्ट्रगल। एक गेमर की भी बात कर देता हूँ, गेमर का नाम किंग एम्ब्रू है, उसका भी चैनल तो जाके देख लेना, वो स्क्रॉल डाउन करके उसने कब स्टार्ट किया था, उसको भी कम से कम सालों लग गए थे अपने चैनल को बनाते बनाते। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चैनल है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है भाई कि 2 मिनट 15 सेकंड का डीचिक 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 डाल लिया और मिनटों में रातों रात में व्यू लेके आना, वो बहुत ईजी है। टिकटॉक ईजी है बहुत, यूट्यूब पर काम करना थोड़ा सा हार्ड है, काम करना नहीं बोलते, यूट्यूब एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उतना भी मैं बोलता नहीं। सो गाइस बस इस झाड़ू वाले आदमी की इतनी बात करते नहीं हम, आपको पता चल गया होगा टिकटॉक वर्सेस जो भी यूट्यूब के बारे में चल रहा है, बहुत सही चल रहा है बेकार चल रहा है बट पता नहीं, बट ये जो बोल रहा है बहुत गलत बोल रहा है यूट्यूब के बारे में, और इस कोई इसको पता है नहीं क्या है क्या नहीं है, बस इसको मन पड़ा हो बोल दिया इसने। तो गाइस इसको जाओ वीडियो फैलाओ, इसको बताओ ये क्या बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट दिस वीडियो। If you like this video, make sure that you are subscribed to my channel and like to my channel and share this video.
बाय बाय।